बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रंगजेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन मखनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और कमर्शियल रेसिपी है, तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, इसके नीचे आग लगाते हैं। इसमें एक चम्मच देसी घी शामिल करेंगे और एक चम्मच मक्खन। इसको गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमारा गरम हो चुका है देसी घी और मक्खन। तो अब इसमें मैंने 500 ग्राम जो है ये चिकन लिया है बोनलेस। मुझे लेग का ये ज़्यादा पसंद है तो मैंने लेग चिकन लिया है। अगर आप चाहें तो चेस्ट का ले सकते हैं या मिक्स भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक मैंने शामिल किया है। अब इसके बाद ये एक अदद मैंने प्याज लिया था और चार अदद जो है चार तुरी जो है लहसुन की, वो अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसको दम पर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें ग्रेवी जो है खुशक हो चुकी है। तो अब बिल्कुल ग्रेवी एक दफ़ा खुशक करते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम जो है गरम मसाला ऐड किया है और वाइट पेपर जो है हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम है। अब इसमें अदरक शामिल करेंगे बारीक कटी हुई और सब्ज़ मिर्च, एक सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी। ये देखें ऑयल आ गया है। अब इसमें हम गरी पाउडर शामिल करेंगे। ये मैंने तकरीबन जो है एक बटा दो डेढ़ चम्मच जो है वो मैंने गरी पाउडर लिया है और हाफ़ कप के करीब करीब जो है ये अब योगर्ट इसमें शामिल करेंगे। योगर्ट को अच्छी तरह फेंट लेना है। ये मिट्टी के बर्तन में अपना ही मज़ा होता है। इसमें मैंने तकरीबन 4-5 जो अदद मैंने चॉप किए हैं बादाम वो शामिल किए हैं, थोड़े से रख लिए ऊपर गार्निश के लिए। हमारी हांडी अभी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई की है मैंने। तो अब इसमें क्रीम शामिल की है। हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो ये एक मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हांडी को सर्विंग के लिए। माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम की गार्निश कर लेते हैं और जो मैंने बादाम कटे हुए थे बचाए थे वो भी ऊपर गार्निश के लिए लगा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुकिंग आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।